चार लुक से बिल्कुल ठीक हो जाओगे कैंसर को डिफीट करके। आप फाइटर हो, फाइटर के बाद में सर्वाइवर बनोगे, विनर बनोगे, चैंपियन बनोगे। क्या बनोगे? आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। आप लोगों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे ज्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में गुड ह्यूमन बीइंग बनना और दूसरों के लिए सेल्फलेसली कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना। आई थिंक ये लोग भी काफ़ी लुक फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अभी ये मुझे बता रही थी कि पिछले 11-12 साल से ये मेरे हर बर्थडे सेलिब्रेशन पे है ये सारा, और एक बहुत अच्छी खुशी मिल बच्चे से मिला, जयदेव नाम है उसका, सिलीगुड़ी से आया है, काफ़ी दूर से है, मुंबई से दूर से आया है, उसकी फैमिली उसके साथ में है। 2 महीने पहले उनको पता चला कि बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको ब्लड कैंसर है। अब कैसा सब अपना गाँव घर फैमिली वाले सब छोड़ के मुंबई जैसे बड़े शहर में आया है, वही इतना डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए, फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट करना, फिर कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल प्रोसीजर भी रहता है। तो अभी उसकी 2 कीमोथेरेपी सेशन कंप्लीट हुए हैं और बाकी हैं। तो मैं वही देख रहा था कि हम जब ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन बच्चों के लिए, तो कुछ समय के लिए उनकी इतनी खुशी हो जाती है कि वो अपना दर्द, अपने सब पेन जो है, जो ट्रबल से गुजर रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं और अपना एक एन्जॉयमेंट में, जो बच्चों को करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, वो करने में बच्चे वापस बन जाते हैं। मेरी कोशिश ये रही है हर साल की इसी तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूं, ताकि ये बच्चे एंजॉय करें, इनको एक अच्छी फिल्म दिखाऊं, इनको अच्छे कुछ गिफ्ट्स दूं, स्नैक्स दूं। आज एक्चुअली मैं जल्दी में हूं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, नहीं तो हम लोग पूरा एक गिफ्टिंग सेरेमनी रखते हैं जो अभी मेरे जाने के बाद होगा। सब बच्चों को गिफ्ट्स मिलेंगे, टॉयज़ मिलेंगे, हर साल हम लोग ये देते हैं। तो सारे बच्चों का जो एक एक्साइटमेंट रहता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सालों से, वो लोग हर साल लुक फॉरवर्ड करते हैं। जब भी मुझे मिलते हैं कहीं भी तो बोलते हैं, भैया आपका बर्थडे कब आ रहा है, आपके बर्थडे हम सेलिब्रेट कब करेंगे। तो एक एक्साइटमेंट रहता है। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ आके। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, पार्ट थी, मतलब नो स्मोकिंग डे का पार्ट थी उस वक्त, और आज के कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए मैं यहाँ हूँ। और बहुत मज़ा आता है बिकॉज कोई तो है जो दुनिया में किसी के बारे में सोच रहा है, इंसानियत का परिचय देता है और किसी के दुख में शामिल होता है, तो बहुत खुशी होती है और मैं भी उसमें शामिल होना चाहती हूँ। इसलिए मैं CPAA के साथ हमेशा एंड ऑलवेज रेडी रहती हूँ।